नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम बता दें कि विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस दौरान माइक्रो स्मॉल और साथ ही बता दें कि मीडियम एंटरप्राइजेस की बता दें कि मिनिस्ट्री के अनुसार यह इवेंट 12 पोस्ट बजट वेबिनार की सीरीज का एक हिस्सा होगा। जहां बता दें कि वेबिनार की इस सीरीज में केंद्र सरकार के बजट के 2023-24 में की गई अनाउंसमेंट पर विचारों और साथ ही सुझावों को इकट्ठा कर रही है ताकि उन सभी घोषणाओं पर सही दिशा में काम किया जा सके। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान का उद्देश्य कारीगरों शिल्पकारों को डेमोस्ट्रिक और साथ ही ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ना है। ऐसा करके सरकार उनके प्रोजेक्ट्स और साथ ही सिविलेंस की क्वालिटी और स्केल और साथ ही रीच में सुधार करना चाहती है। इस वेबिनार को कवर करने के लिए चार बता दें कि ब्रेकआउट सेशन होंगे और जिसमें केंद्र सरकार के मंत्रालय के मंत्री और सचिव शामिल होंगे। इसके अलावा इस दौरान इंडस्ट्री कारीगरों फाइनेंशियल बता दें कि इंस्टीट्यूशन और साथ ही एक्सपर्ट्स एंटरप्रेन्योर्स और साथ ही एसोसिएशन से जुड़े कई अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के अधिकारी एमएसएमई और कपड़ों मंत्रियों के संबंधित अफसरों से जुड़े कई अधिकारी भी इस वेबिनार में शामिल होंगे। ये सभी बजट की गई घोषणाओं पर बता दें कि बेहतर तरीके से काम करने और सुझाव देने का एक तरीका होगा। वही तेलंगाना के सीएम के बता दें कि के चंद्रशेखर राव के बेटी और साथ ही भारत राष्ट्रीय समिति के नेता के कविता आज प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के दफ्तर में पेश होंगी। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए आज बुलाया है। पहले ईडी ने कविता को 9 मार्च को पूछताछ के लिए दफ्तर में पेश होने को कहा था, लेकिन बता दें कि केसीआर की बता दें बेटी जो है उन्होंने बीआरएस नेता ने पूछताछ में शामिल होने के लिए ईडी से 15 मार्च तक का समय मांगा था। इसके बाद से ईडी ने के कविता को 11 मार्च को दिल्ली शराब घोटाले मामले में पूछताछ में शामिल होने के लिए समन जारी किया। 9 मार्च को महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भी के कविता से दिल्ली के केंद्र सरकार के रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया था और उसमें इस प्रदर्शन में 18 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे। महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए कविता ने कहा था कि बीजेपी ने वादा किया था कि वे पूर्ण बहुमत में आने पर महिला आरक्षण को लागू करेंगे। 2014 और 2019 में 2 बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई है, लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया है। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी मसले पर उन्होंने कहा है कि ईडी के जरिए समन भेजकर बीजेपी मुझे डरा नहीं सकती है। ईडी ने बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में धन शोधन संबंधी जांच के सिलसिले में शुक्रवार को दिल्ली मुंबई और साथ ही बिहार में 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के 3 बेटियों और साथ ही बेटे तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता के परिसर में भी की गई है। छापेमारी कार्रवाई शुक्रवार देर रात तक चली है। जानकारी के मुताबिक बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी के दिल्ली आवास पर ईडी के अधिकारियों ने 14 घंटे तक आज पड़ताल की है। रात करीब 12:15 पर ईडी की टीम तेजस्वी के घर से कुछ दस्तावेज लेकर निकली, जिसके बाद से तेजस्वी यादव भी घर से निकल गए थे। उधर गाजियाबाद में लालू यादव की बेटी के घर भी देर रात तक रेड चली और इस दौरान रात करीब 11:30 तक ईडी ने एक प्रिंटर भी मंगवाया था। और बता दें कि लगातार पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। तमाम जगहों पर लालू प्रसाद के तमाम घरों पर और साथ ही बता दें कि राबड़ी देवी के समेत तेजस्वी यादव और मीसा भारती के भी घरों पर और कार्यालय पर लगातार छापेमारी की जा रही है। और साथ ही बता दें कि इस मामले को लेकर कई बार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी तमाम बातें बोलते हुए बीजेपी को घेरते हुए नजर आए थे और इस दौरान कल
तेजस्वी यादव के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। रात बता दें कि देर रात तक ये छापेमारी की गई है और इस दौरान लगातार ईडी का जो डंडा है और साथ ही ईडी की जो तलवार है वो लालू प्रसाद के पूरे परिवार पर लटकती हुई नजर आ रही है। और बता दें कि तमाम चीज़ों को लेकर ईडी जो है नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले के मामले में धन शोधन संबंधी जांच के सिलसिले में ये बता दें कि ये छापेमारी कर रही है। दिल्ली मुंबई बिहार समेत 20 जगहों पर छापेमारी की गई है और इस छापेमारी में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की 3 बेटियां उनके बेटे तेजस्वी यादव राबड़ी देवी समेत सबके आवासों पर यह छापेमारी की गई है। और इस दौरान आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव के घर से 53 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और साथ ही और भी कई कैश, सोने की चीज़ें और साथ ही इंटरनेशनल करेंसी भी कई जगहों पर बरामद की गई है। लगातार ईडी इस मसले को लेकर लालू प्रसाद और उसके पूरे परिवार से पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव के जितने भी आवास है, दफ्तर है, हर जगहों पर ईडी की रेट लगातार होती हुई नजर आ रही है। ये छापेमारी कार्रवाई लगातार जारी है और साथ ही बता दें कि दिल्ली मुंबई साथ ही बिहार के तमाम ठिकानों पर ये लगातार ईडी की छापेमारी जारी है। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव जो है और साथ ही मीसा भारती की बात करें या राबड़ी देवी की बात करें, लगातार बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही थी। और ये लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये भी कहा गया था बीजेपी हमें डरा नहीं सकती है, तेजस्वी यादव भी बीजेपी को घेरते हुए नजर आए थे। और बता दें आपको कि लगातार लालू प्रसाद के सभी ठिकानों पर ईडी की रेट लगातार चलती हुई नजर आ रही है। आधी रात तक तेजस्वी यादव के घर पर कल छापेमारी चली है और साथ ही बता दें कि इस दौरान मीसा भारती के भी घर पर छापेमारी लगातार ईडी की तरफ से देखने को मिल रही है। उधर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के निर्देश अनुसार जिला और शहर कांग्रेस कमेटी हरदोई के द्वारा मोडानी महाघोटाले के विरोध में कांग्रेसियों ने स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी लगाई है। जिला अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह के सोमावंशी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने SBI के मुख्य शाखा के बाहर महंगाई को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही जिला अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह सोमावंशी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के निर्देश पर स्टेट बैंक की शाखा का घेराव किया है। मोदी और अडानी का जो प्रेम है, इसमें जो देश की पूंजी डूब रही है, उस घोटाले के खिलाफ हमारा प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और साथ ही सरकार अपनी गोदी सेठ की पुजारी बढ़ाने के लिए कुछ सार्वजनिक स्थान में जो पैसा जमा रही है उस पैसे से उनकी संपत्ति बढ़ाने का काम कर रही है, इसको लेकर ये हमारा प्रदर्शन है। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष माननीय बृजलाल खाबरी जी के निर्देश पर हम सभी लोगों ने स्टेट बैंक की शाखा का घेराव किया है। मोदी और अडानी का जो प्रेम है, उसमें जो देश की पूंजी डूब रही है, उस घोटाले के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। सरकार अपनी गोदी सेठ की पूंजी बढ़ाने के लिए जो सार्वजनिक संस्थान में जो पैसा जमा है उस पैसे से उनकी संपत्ति बढ़ाने का काम कर रही है। लगातार आप देख रहे हो कि जांच हो रही है, परत दर परत इस घोटाले को खोला जा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, अभी एक रिपोर्ट और आई जिसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा कोयला अडानी को बिना पैसे के दिया गया, जीरो खरीद पर। तो ऐसी स्थिति में जो ये मोडानी घोटाला है, इस घोटाले की जांच के लिए JPC बने। वही हरदोई में दबंगों द्वारा एक युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक दबंगों के हाथ जोड़ता रहा लेकिन दबंग उसे ऊपर थप्पड़ों से बरसात करते हुए नजर आए। युवक ने बाइक को भी दबंगों ने लातों से तोड़ा है और साथ ही पीड़ित युवक ने दबंगों के खिलाफ थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वही आपको बता दें कि शाहबाद कोतवाली इलाके के मोहल्ला महू आउटला चुंगी निवासी अभिजीत बाइक लेकर बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। जैसे ही महू आउटला चुंगी के पास पहुंचा तो वे उसके सामने आ रहे बाइक सवार मोनू और अन्य व्यक्ति ने उनको रोका और
बता दें कि गाली गलौज करते हुए उसके जमकर मारपीट करने लगे, जिसमें बता दें कि अभिजीत ने विरोध किया है और विरोध के बाद दबंगों ने युवक की पिटाई करनी शुरू कर दी। इस दौरान दबंगों ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। युवक का हाथ जोड़ता रहा लेकिन दबंग थप्पड़ बरसाते रहे हैं, जिसका वीडियो भी है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं युवक ने कोतवाली में दबंगों के खिलाफ शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। वही गुरुवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बता दें कि बदमाश के पैर पर गोली लगने से वे घायल हो गया है। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया है। वही सहारनपुर के SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया है कि गुरुवार देर रात चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो बदमाश को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसके बाद से बदमाश सिरिक के पैर पर गोली लग गई है, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा है। घायल बदमाश सिरिक को खिलाफ लूट और गैंगस्टर के कई मुकदमे दर्ज है। घायल बदमाश सारिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार वंचित लुटेरे बदमाश सारिक के कब्जे से तमंचा और कारतूस, एक मोबाइल और साथ ही 12,200 रुपये बरामद किए गए हैं। कल रात्रि में थाना कुतुब शहर में एक पुलिस चेकिंग के दौरान एक बदमाश पुलिस पर पार्टी पर फायर करके भागा, जिसमें ही पुलिस पार्टी उसका पीछा किया। इस पर जो बदमाश है उसके बीच में पुलिस के बीच में जो फायरिंग हुई, इसमें एक बदमाश को गोली लगी है और इसमें जो बदमाश है वो सारिक नामक अभियुक्त है, जो कि थाना कुतुब शहर से ही एक लूट के मामले वांछित था। इससे पूर्व भी यह अपराधी लूट, डकैती, गैंगस्टर हत्या का प्रयास इत्यादि मुकदमों में जेल जा चुका है और काफ़ी अच्छा कुख्यात अपराधी है वहां का। इस पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है वांछित प्रकरण में और जेल भेजा गया। सहारनपुर में देवबंद रणखंडी अवतादे की फाटक और साथ ही देवबंद भायला फाटक पर जाम की स्थिति देखते हुए बीजेपी के नेता और रिटायर कर्नल राजीव रावत ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को संबोधित एक ज्ञापन स्टेट अधीक्षक अनिल कुमार को सौंपा है। उन्होंने ज्ञापन में रेलवे मंत्री को बताया है कि फाटक संख्या बता दें कि 38/38 और साथ ही 39/70 नगर के बीचों बीच आते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में एम्बुलेंस समेत छोटे बड़े वाहन का आवागमन बना रहता है। कर्नल राजीव ने सरकार की योजना के तहत उक्त रेलवे फाटकों पर फ्लाईओवर और साथ ही अंडरपास बनवाने की मांग की है, जिससे घंटों जाम की स्थिति से बचा जा सके। वही सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित बता दें कि LIC दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों ने जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली और साथ ही महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष चौधरी बता दें कि मुजफ्फर अली ने बताया है कि राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व में आह्वान पर बता दें कि LIC दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने बताया है कि SBI और साथ ही LIC के माध्यम से फर्जीवाड़े के विरोध में यह प्रदर्शन है। प्रदर्शन वालों ने बताया है कि कांग्रेस के कई पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे हैं। और ये तस्वीर सहारनपुर की, जहां पर लगातार कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और तमाम मुद्दों के साथ कांग्रेस ये प्रदर्शन करती नजर आ रही है। SBI और LIC पर भी तमाम आरोप लगाए गए हैं। और बता दें कि ये सहारनपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली रोड स्थित LIC दफ्तर के बाहर ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली और साथ ही महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के नेतृत्व में ये लगातार प्रदर्शन चल रहा है। साथ ही बता दें कि इस दौरान उनकी मांग है कि राष्ट्रीय और प्रदेश
इनके नेतृत्व में आह्वान पर LIC दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन करते हुए उनका मांग है कि लगातार LIC और SBI के जो बैंक है वे लगातार फर्जीवाड़े करते हैं और जिसकी विरोध करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और सहारनपुर की ये तस्वीर है जहाँ पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार BJP को घेरते हुए नजर आए और साथ ही LIC और SBI पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए भी नजर आए। सहारनपुर में मुख्य शाखा LIC के दफ्तर दिल्ली रोड पर हमारे जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे PCC सदस्यगण, वरिष्ठ कांग्रेसजन, हमारे फंडर संगठन, हमारे AICC सदस्य और हमारे जिलाध्यक्ष, सभी इनके नेतृत्व में आज सभी कांग्रेसजन यहां पर एकत्रित हुए हैं। केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व आह्वान पर आज कांग्रेसियों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो अडानी वहीं हरदोई में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने महिला के साथ जमकर मारपीट की है। मौके पर मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही है। वहीं किसी ने भी महिला की मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, लेकिन महिला को किसी ने बचाया तक नहीं है। वायरल वीडियो में होने के बाद से अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और ये तस्वीर हरदोई की जहाँ पर लगातार महिला के साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन जो वहाँ आसपास के लोग हैं वे तमाशबीन बने रहे, लेकिन किसी ने महिला को बचाने की कोशिश भी नहीं की। और देखिए किस तरीके से बेरहमी से महिला की पिटाई की जा रही है दबंगों के द्वारा। और हरदोई की तस्वीर है जहां दबंगों का आतंक लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और बता दें कि हरदोई में लगातार जमीन विवाद को लेकर ये पहला मामला नहीं है जिसमें महिला के साथ इतनी बेरहमी से पिटाई की जा रही है। ऐसे कई मामले हरदोई से पहले भी सामने आ चुके हैं जहां पर दबंगों में प्रशासन का कोई खौफ देखने को नहीं मिलता है। लगातार दबंगई पर उतर आते हैं, मारपीट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्रशासन जो है वे मौन नजर आती है, उनके कानों तले जू तक नहीं रेंगती है। और ये तस्वीर हरदोई की आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर जमीन विवाद को लेकर लगातार दबंगों का आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा करने को लेकर यह दबंगों का आतंक है और अगर आप इसका विरोध करते हैं तो दबंगों के मारपीट का आपको शिकार होना पड़ेगा। और यह तस्वीर जहां पर लोक मुख दर्शक तो बने हुए हैं लेकिन महिला को किसी ने बचाने की कोशिश तक नहीं की। आप देखिए किस तरीके से महिला के साथ मारपीट की जा रही है, इतने बेरहमी से उसे मारा जा रहा है, लेकिन लोगों ने वीडियो बनाना तो जरूरी समझा लेकिन महिला बचाने की कोशिश भी नहीं की गई। प्रशासन इस मामले को लेकर अब तक मौन नजर आ रही है, कार्रवाई की बात कहती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि जिस तरीके से हरदोई में आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, दबंगों का आतंक देखने को मिलता है, मारपीट की घटनाएं भी काफी बार सामने आ चुकी है, लेकिन प्रशासन जो है उनका यह सख्त रवैया नहीं देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ही दबंगों में इतना आतंक बढ़ गया है कि दबंग जमीन को किसी के भी जमीन को कब्जा करने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं और महिला के साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम देते रहते हैं। और सबसे बुरी बात तो ये है और इस मामले को लेकर वहां पर जो लोग हैं वो मुख दर्शक बने हुए नजर आए, वीडियो बनाते हुए नजर आए, लेकिन किसी ने महिला को बचाने की हिमाकत तक नहीं की। और ये तस्वीर जहां पर लगातार महिला से मारा पीटा जा रहा है, तीन लोग आप देखिए किस तरीके से महिला को मार रहे हैं और महिला को पीटते हुए नजर आ रहे हैं और घसीटते हुए नजर आ रहे हैं जमीन पर, लेकिन वहां के लोग ने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की। इस मामले को लेकर महिला की जान को भी खतरा हो सकता था, कुछ भी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, लेकिन वहां के लोग जो है वो तमाशेबीन नजर आए, उन्होंने इस मामले को लेकर उस महिला को बचाने की कोशिश तक नहीं की। और प्रशासन जो है हमेशा की तरह इस मामले में कार्रवाई की बात तो कहती हुई नजर आती है, लेकिन अब इस मामले को लेकर प्रशासन क्या कार्रवाई करती है ये देखना दिलचस्प होगा। और साथ ही हरदोई में जिस तरीके से आतंक बढ़ता जा रहा है जमीन विवाद को लेकर दबंगों का, इसको लेकर भी प्रशासन कैसे जल्द से जल्द रोक
लगाती है, ये भी देखना अहम होगा। इस मामले को लेकर प्रशासन मुखदर्शक बनी रहती है या प्रशासन इस मामले को लेकर लीपापोती करती हुई नजर आती है, या प्रशासन इस मामले को लेकर सख्त सख्त कार्रवाई करेगी, ये भी देखना काफी अहम माना जाएगा। और ये तस्वीर हरदोई की, जहां पर महिला के साथ उसे बेरहमी से मारा जा रहा है दबंगों के द्वारा। और बता दें आपको कि ये जमीन विवाद का मामला था, जिसको लेकर लगातार जो दबंग है महिला से जमीन लेने की बात कहते हुए नजर आए थे और जमीन हड़पने की बात कहते हुए नजर आए थे। महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसे मारपीट का शिकार होना पड़ा। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से तीन लोग महिला को मारते हुए नजर आ रहे हैं, पीटते हुए नजर आ रहे हैं, और वहां पर जो लोग हैं वे चुपचाप वहां खड़े हैं। और बात यह भी है कि वहां जितने भी लोग खड़े हैं वहां महिलाएं भी होंगी और कई पुरुष भी शामिल होंगे, लेकिन किसी ने भी हिम्मत तक नहीं की महिला को बचाने की। और लगातार प्रशासन को इस मामले को लेकर जानकारी तो दे दी गई है, लेकिन प्रशासन इस मामले पर कब तक कार्रवाई करती है और क्या पीड़ित ये महिला दर दर भटकती रहेगी, या इस मामले को लेकर प्रशासन जो है वो सख्त कार्रवाई करेगा, इन दबंगों की कब से कब गिरफ्तारी होगी और इस दबंगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी, जो आगे भी जो जितने भी दबंग है इस मामले को लेकर उनकी प्रशासन की कार्रवाई को लेकर उनमें एक खौफ एक डर देखने को मिले, ये देखना काफी अहम होगा। हरदोई में लगातार ऐसे मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, अब प्रशासन का खौफ किसी को नहीं है और दबंग जो है लगातार इस तरीके की कई घटनाओं को अंजाम देते हैं। हरदोई से हमने पहले भी ऐसी कई तस्वीर आपको दिखाई है जहां पर दिन दहाड़े चोरी की घटना, तमाम घटनाएं सामने आती है, लेकिन प्रशासन का खौफ दबंगों में अब तक देखने को नहीं मिला है। ये मामला थाना कोतवाली देहात अंतर्गत कंडोहवा गांव पड़ता है, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जमीनी विवाद में पुष्पा एवं सुपेक्षक बीच मारपीट की हो रही है। उक्त प्रकरण में कोतवाली देहात द्वारा जांच और विधिक कार्रवाई प्रचलित है, इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। और हरदोई में अनियंत्रित होकर ऑटो पलटने का मामला सामने आया है। बता दें कि घायल को पीएचसी पाली इलाज में भर्ती कराया गया है, जहां पर दरियापुर निशौली मार्ग पर अंटवा के पास ये सड़क हादसा हुआ है। और ये तस्वीर जहां पर हरदोई में अनियंत्रित होकर ऑटो पलट गई है और जिसमें महिला समेत तमाम लोग घायल हुए हैं, जिसका इलाज लगातार अस्पताल में जारी है। और लगातार इस मामले को लेकर प्रशासन कार्रवाई कर रही है और साथ ही ऑटो चालक पर भी इस मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है कि ये ऑटो अनियंत्रित होकर कैसे पलट गया। इस मामले को लेकर प्रशासन तफ्तीश में जुटी है। भारतीय परंपरा और सभ्यता की मिसाल बुंदेलखंड की प्रसिद्ध होली है और यहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता और सौहार्द की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग माता से अपनी मनोकामना मांगते नजर आए हैं, माता की जयकारे लगाते हुए नजर आए हैं। वहीं ग्राम पंचायत वीरा की, जो जिला मुख्यालय में लगभग 9 किलोमीटर की दूर पर स्थित ग्राम पंचायत में माता का एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर मान्यता और विश्वास की माता के दरबार पे यहाँ पे लोग पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना माता से मांगते हुए नजर आते हैं। और ये झांसी की तस्वीर, जहां पर हिंदू और मुस्लिम की एकता की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर होली के त्यौहार पर माता को प्रसन्न करने के लिए गुलाल और रंग का अर्पण किया जाता है। हिंदू और मुस्लिम एक साथ होकर ये होली का त्यौहार मनाते हुए नजर आते हैं और साथ ही इस दौरान ये तस्वीर देखिए लोगों में कितना हर्ष और उल्लास देखने को मिल रहा है। होली के इस खास मौके पर यहाँ हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर होली का त्यौहार मनाते हैं और साथ ही माता से अपनी मन्नत मांगते हुए नजर आते हैं। किस तरह से मनाते हो आप? बहुत अच्छे ढंग से बुलाते भी आते हैं, ये प्रथा सदियों से चली आ रही है, जब से गांव बसा है तब से निरंतर होली की प्रथा यहाँ। किस तरीके से आप होली मनाते हो? होली का त्यौहार यहाँ जो है रंगारंग मनाया जाता है, करोड़ों श्रद्धालु अपनी अपनी मनोती करने के लिए यहाँ आते हैं और उस समय जो है गुलाल चढ़ाते हैं माता को, क्योंकि माता को लाल वस्त्र, लाल ध्वजा
और लाल लाल की है, सौभाग्य देने वाली है माताओं को, मनोज पूर्ण करने वाली है मनुष्यों को। जनपद महोबा में होली त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए उपरांत आज पुलिस अधीक्षक अर्पणा गुप्ता सहित जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी और कर्मचारी द्वारा पुलिस लाइन महोबा में धूमधाम के साथ पुलिसकर्मियों ने होली खेली है। और साथ ही इस दौरान सभी अधिकारी कर्मचारी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामना दी है। इस मौके पर सभी ने होली का रंग खूब चढ़ा हुआ नजर आया। बता दें कि होली के त्यौहार के दिन ये जो पुलिसकर्मी है ये तैनात नजर आते हैं, अपनी ड्यूटी पर नजर आए थे और इसके बाद से होली के बाद वाले दिन इन्होंने खूब जमकर होली खेली और डीजे के धुन पर थिरकते हुए नजर आए। महोबा में किराने की गोदाम और मकान में आग लगने का मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिसमें गोदाम में रखी किराना सामग्री सहित अन्य सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। फायर ब्रिगेड कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं। वहीं पनवाड़ी थाना कस्बा बता दें कि पठाकपुरा के मुन्नी सेठ के गोदाम में ये घटना घटित हुई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।